देखिए, जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस अच्छी खासी संख्या में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। और आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कम से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, उन्हें पढ़िए, उसके बाद मूल्यांकन कीजिए और आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर चाहे आप लोग वन डे एग्जाम की बात कर लीजिए, स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए, जिसमें आपका बिहार पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, या फिर आप लोग सिविल सर्विस की बात कर लीजिए। तो इसीलिए तो कहते हैं आप लोग कि जनगणना से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जनगणना को पढ़ लीजिएगा। और आप लोग कहीं भी कोचिंग करते होंगे तो आपको यही सलाह दी जाती होगी। और आप सभी जानते हैं कि हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होती है। और आप देखिए कि जनगणना करवाने के कई उद्देश्य होते हैं। आप देखिए कि इससे आप लोगों को मालूम चलता है, अगर जनगणना ना होती होती तो आप लोगों को कैसे मालूम चलता है कि आपके देश की जनसंख्या इतनी है, या फिर आप लोगों को कैसे मालूम चलता कि सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा राज्य है, सबसे छोटा कौन सा राज्य है, लिंगानुपात कितना है आपके राज्य का, जनसंख्या घनत्व कितना है आपके राज्य का। और आप सोचिए कि सरकार को कई फायदे भी होते हैं इससे। अब आप सोचिए कि वहां रहने वाले लोगों के बारे में कौन सी योजनाओं की जरूरत है, वहां कौन सी नीतियां अपनानी चाहिए, समझ रहे हैं, बेहतर प्रबंधन कर पाती है सरकारें। इसकी तुलना आप लोग एक परिवार से क्यों नहीं कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि एक परिवार में आपको परिवार के सदस्यों के बारे में मालूम ही ना हो, किसकी क्या स्थिति है, कितने मेंबर हैं, तो आप लोग उस परिवार के बारे में बेहतर व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसका बेहतर प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि आप एक तरह से कोई प्रोग्राम रखते हैं तो आप पहले जनगणना कर लेते हैं, पूरा एक कंडी खाका खींच लेते हैं, और मुझे लगता है कि बेहतर आप लोग प्रबंधन भी कर पाते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि आपका देश भी, हमारे देश में भी हर 10 साल में जनगणना होती है। और आप देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें जो भी आप देखिए, भारत देश एक तरह से परिभाषित है कि हमारी सीमा कहाँ तक है, हमारे लोग कहाँ तक रहते हैं, तो सभी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनगणना होती है और उनकी एक तरह से स्थिति देखी जाती है, क्या स्थिति है, गरीबी रेखा में कितने लोग पहुंच चुके हैं, समझ रहे हैं। तो यही समझना है आपको। तो जनगणना किसी देश के एक व्यवस्थित सुपरिभाषित हिस्से के सभी व्यक्तियों के एक विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकीय और आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्रित करने, उसके संकलन, विश्लेषण और प्रसारित करने की प्रक्रिया है। सुपरिभाषित कहने का मतलब ये है कि अब आप सोचिए कि हमारे भारत इतना क्षेत्र हमारा भारत का है और हम जाके पाकिस्तान की भी जनगणना करने लगे अपने देश में, तो ये तो गलत हो गया ना, हम अपने देश से हट चुके हैं। तो यही कहा जा रहा है। और यह जनसंख्या की विशेषताओं पर भी प्रकाश डालती है। भारतीय जनगणना दुनिया में किए जाने वाले सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है और 10वीं जनसंख्या का संचालन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय करता है। और एक कार्यालय आप देखिए गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि जो आपका महासंचालन, जो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है, ये किस कार्यालय के अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। वर्ष 1951 तक प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी। कब? 1951 तक। अगर कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों की बात करें, और इससे भी आपके क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है, तो इस अधिनियम को जरूर याद रखिएगा। और इस अधिनियम को बनाने हेतु विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि पहले उप प्रधानमंत्री भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। देश की एकता बनाने के लिए, देश को इकट्ठा करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 को आप लोग पढ़ते होंगे, तो इसके तहत जनगणना संघ का विषय है। इस अनुच्छेद को भी याद रखिए। और यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध किया गया है। ये छोटे छोटे पॉइंट भली हैं, लेकिन इनसे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्रमांक 69 में सूचीबद्ध किया गया है। अगर सूचना की गोपनीयता की बात करें,
तो जनगणना के दौरान एकत्रित की गई जानकारी इतनी गोपनीय होती है कि यह न्यायालयों के लिए भी सुलभ नहीं हो पाती है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब अंतिम आंकड़े आ जाते हैं तो सभी आंकड़े हमारे सामने हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले ये गोपनीय रहते हैं, किसी के पास इनकी जानकारी लेक नहीं हो पाती है। और जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा गोपनीयता की गारंटी दी जाती है और कानून सार्वजनिक और जनगणना अधिकारियों दोनों के लिए गैर अनुपालन या अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर दंड निर्दिष्ट करता है। यानी कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जो गोपनीयता की बात की गई है, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है, अनदेखी करता है, कोई अधिकारी भी करता है, तो उसे दंड दिया जाएगा। अब बात आती है जनगणना की महत्व की, और आप समझिए कि कोई भी आप काम करते हैं तो उसका महत्व तो होता है कुछ कि नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका महत्व है सूचना का स्रोत। तो भारतीय जनगणना भारत के लोगों की विशेषताओं के बारे में विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय जानकारी का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। शोधकर्ता जनसंख्या के विकास और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और अनुमान लगाने के लिए जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करते हैं। सुशासन, जनगणना के माध्यम से एकत्रित किए गए डेटा का उपयोग प्रशासन, योजना, नीति निर्माण के साथ साथ सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रबंधन, मूल्यांकन के लिए किया जाता है। फिर है सीमांकन, जनगणना के आंकड़े और आंकड़ों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन और संसद, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों निधि हेतु आवंटन के लिए भी किया जाता है। इसे आप लोग छोटे से उदाहरण से समझिए। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी छोटी स्तर पर, आपने देखा होगा स्थानीय स्तर पर पंचायत होती है, और आपने देखा होगा कि जब आप लोग बचपन में होंगे तो वह एक छोटी सी पंचायत हुआ करती थी, वहाँ एक ही प्रधान यानी कि सरपंच चुना जाता था। लेकिन आगे आपने देखा है कि आपके क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती गई, आपकी पंचायत की जनसंख्या बढ़ती गई, उसके आगे चल के दो पंचायतों में विभक्त हो गई। तो समझ रहे हैं कैसे आप लोगों को मालूम चला कि जनसंख्या आपके क्षेत्र की बढ़ गई, क्योंकि आपके क्षेत्र की जनगणना हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं विधानसभा हो या लोकसभा हो, इस तरह के निर्धारण भी, सीटों का निर्धारण भी इन्हीं के आधार पर किया जाता है। फिर आप देखेंगे व्यवसायों की बेहतर पहुंच के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। व्यवसायिक घरानों, उद्योगों के लिए भी जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि वे उन क्षेत्रों जहां अब तक उनकी पहुंच नहीं थी में अपने व्यवसाय को मजबूती प्रदान करने हेतु योजना बना सकें। अनुदान देना और वित्त आयोग जनगणना के माध्यम से उपलब्ध जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान करता है कि किस राज्य की जनसंख्या कितनी है और किस हिसाब से अनुदान देना चाहिए। अगर हम लोग जनगणना का इतिहास देखें, क्योंकि आप देखिए कि अभी आजकल की ये घटना नहीं है, हमारे देश में आप देखिए प्राचीन काल में भी, हजारों साल पहले भी हमारे देश में जनगणना होती थी। अब आप सोचिए राजा महाराजा रहे होंगे तो उन्हें किस तरह से मालूम होगा कि यहाँ से इतना टैक्स वसूलना है, या फिर उन्हें इतनी जनसंख्या उनके राज्य में है, कुछ इस तरह का नियम तो बनाते होंगे ना, जनगणना तो करवाते होंगे ना, लोगों की जनसंख्या तो निर्धारित करते होंगे ना। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप लोग प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में जाइए, सबसे पहले आप लोग ऋग्वेद पढ़ा होगा, आप लोगों ने ऋग्वेद को तो पढ़ा होगा ना। प्रारंभिक साहित्य ऋग्वेद से पता चलता है कि भारत में 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व के दौरान एक प्रकार की जनसंख्या गणना को बनाए रखा गया था। तो आप लोग अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि इन पॉइंटों को भी आप लोग वहां लिख दीजिएगा, इन्हें भी शामिल कर लीजिएगा। फिर आप देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र ने कराधान हेतु राज्य की नीति बनाने के एक उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रहण निर्धारित किया हुआ है। और एक क्वेश्चन भी आपकी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया है, अर्थशास्त्र किसकी कृति है, कौन है इसका लेखक, तो याद रखिए कौटिल्य। फिर आप देखेंगे आईने अकबरी, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक रिपोर्ट आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक आंकड़े भी शामिल थे। अब बात आती है आधुनिक भारत की, तो स्वतंत्रता पूर्व अवधि में जनगणना, तो आप देखेंगे प्रारंभिक प्रयास यानी कि जनगणना का इतिहास 1800 ईस्वी से शुरू हुआ, जब इंग्लैंड ने अपनी जनगणना शुरू की थी, और उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे ऊपर शासन किसका था, अंग्रेजों का ही था। अब जब वो अपने यहाँ इस तरह की कोई प्रक्रिया लागू करते हैं, जनगणना करवाते हैं, तो आप देखेंगे हमारे यहाँ भी वो करवाएंगे। तो इसकी निरंतरता में आप देखेंगे जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद
बस 1824 और बनारस 1827-28 में जनगणना करवाई गई थी। फिर आप देखेंगे एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका अब बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। और आप सभी लोगों को मालूम होगा 1947 तक बांग्लादेश हमारा हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। दूसरी जनगणना आप देखेंगे 1836-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा की गई थी। पर आप देखेंगे 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालन करने का आदेश दिया था। ये इन दो पॉइंटों से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बहुत कई बार पूछे जा चुके हैं, संख्या नहीं है एक तरह से। पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना की अगर बात करें तो यह भारत में वर्ष 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी और किसके समय की गई थी, तो आपको लिखना है 1872 में की गई थी और इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेयो। अगर आपसे पूछा जाता है नियमित और दशकीय जनगणना कब से शुरुआत हुई थी, किसके समय काल में शुरुआत हुई थी, तो याद रखिए पहली बार आपकी नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन के तहत डब्ल्यू सी प्लोडेन भारत के जनगणना आयुक्त द्वारा करवाई गई थी। और इस समय आप देखेंगे किसका शासन था, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड रिपन। और एक बात आपको बता दूं, आज के समय में आप लोग जो 10 साल में, हर 10 साल में जनगणना देखते हैं ना, इसकी शुरुआत 1881 से होती है, ठीक है। और तब से आप देखेंगे हर 10 साल में एक बार निर्बाध रूप से जनगणना की जाती है। अब आप देखिए कोई प्रॉब्लम सामने आ गई तो आप देखते हैं उसे बढ़ा देते हैं, या फिर आप देखते हैं कभी उसे उसकी जनगणना नहीं करवाई जाती है। पहली बार जनगणना की बात करें 1881 की अगर हम लोग, तो इसने इसने ब्रिटिश भारत के पूरे महाद्वीप, कश्मीर, फ्रेंच तथा पुर्तगाली उपनिवेशों को छोड़कर की जनसांख्यिकीय और आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं के वर्गीकरण पर विशेष बल दिया था। फिर आप देखेंगे दूसरी जनगणना 1891 में होती है, क्योंकि हर 10 साल में होगी अब, तो यह लगभग वर्ष 1881 की जनगणना के समान पैटर्न पर ही आयोजित की गई थी। और इसमें 100% कवरेज के प्रयास किए गए और वर्तमान बर्मा के ऊपरी हिस्सा, कश्मीर और सिक्किम को भी इसमें शामिल किया गया। फिर आप देखेंगे तीसरी जनगणना होती है 1901 में, और इस जनगणना में बलूचिस्तान, राजपूताना, अंडमान निकोबार, बर्मा, पंजाब और कश्मीर के सुदूर इलाकों को भी शामिल किया गया था। फिर आप देखेंगे पांचवी जनगणना होती है 1921 में, तो 1911 से 21 का दशक अब तक का एकमात्र ऐसा दशक रहा है जिसमें जनसंख्या में 0.31% की दशकीय गिरावट देखी गई थी। और यह वह दशक रहा है जब वर्ष 1911 में फ्लू महामारी का प्रकोप फैला था, जिसमें कम से कम आपने देखा होगा 12 मिलियन लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं उस समय इस तरह की कोई दवाई, वैक्सीन नहीं हुआ करती थी, समझ रहे हैं। तो कोई महामारी आपने सुना होगा, आपने बुजुर्ग जो व्यक्ति है उनसे सुनिएगा कि जब आप देखिए पुराने जमाने में, यानी कि उनके जमाने में कोई महामारी आती थी तो गांव का गांव साफ कर देती थी। भारत की जनसंख्या वर्ष 1921 की जनगणना के तक लगातार बढ़ रही थी। वर्ष 1921 की जनगणना के बाद यह वृद्धि जारी रही, और इसलिए वर्ष 1921 के जनगणना वर्ष को भारत के जनसंख्यीय इतिहास में द ग्रेट डिवाइडेड, यानी कि महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। फिर आप देखिए 11वीं जनगणना यानी कि 1971 में होती है। स्वतंत्रता के बाद यह दूसरी जनगणना थी, और इसने वर्तमान में विवाहित महिलाओं की प्रजनन क्षमता के बारे में जानकारी के लिए एक प्रश्न जोड़ा था। फिर आप देखेंगे 13वीं जनगणना 1991 में होती है, और यह स्वतंत्र भारत की 5वीं जनगणना थी, और इस जनगणना में साक्षरता की अवधारणा को बदल दिया गया था और 7+ आयु वर्ग के बच्चों को साक्षर माना गया था। वर्ष 1981 की तुलना में जब 4+ आयु के वर्ग के बच्चों को साक्षर माना जाता था, यहाँ कहने का सीधा सा मतलब है, पहले साक्षरता की बात होती थी तो 4 साल से जो अधिक आयु के वर्ग के बच्चे होते थे उन्हें साक्षरता में गिना जाता था, लेकिन इसे आगे बढ़ाकर 1991 में क्या कर देते हैं, 7+, यानी कि 7 से अधिक आयु वाले। फिर आप देखेंगे 14वीं जनगणना होती है 2001 में, और इसमें प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर एक बड़ी छलांग लगाई गई थी।
और चरणों के शेड्यूल का को हाई स्पीड स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया था और शेड्यूल के हस्तलिखित डेटा को इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडिंग ICR के माध्यम से डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया था और एक ICR छवि फाइलों से हस्तलेखन को कैप्चर करती है और यह ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR तकनीक का एक उन्नत संस्करण है जिसमें मौद्रिक वर्ण कैप्चर किए जाते हैं। फिर आपने देखा है 15वीं जनगणना वर्ष 2011 में होती है। वर्ष 2011 की जनगणना में EAG राज्यों अधिकार प्राप्त कार्रवाई समूह यानी कि आप देखिए एक तरह से एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा के मामले में पहली बार महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई थी। और उसके बाद आप देखेंगे 16वीं जनगणना 2021 में होनी थी और आप देख रहे हैं कोरोना महामारी के कारण किस तरह से व्यवस्था भंग हुई। तो अब आप देखिए इसके आंकड़े कब तक आते हैं, ये देखने लायक होंगे। और जनगणना 2021 को कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया। हालांकि यह पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें 100 गणना का भी प्रावधान होगा और यह पहली बार है कि ऐसे परिवारों में रहने वाले सदस्यों की जानकारी एकत्रित की जाएगी जिनका मुखिया कोई ट्रांसजेंडर हो। पहले केवल पुरुष और महिलाओं के लिए एक कॉलम होते थे। और आजकल आप देख रहे हैं देश भर में राजनीति का मुद्दा भी बना हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना। ऐसे आप लोग बता दें कोई नई बात नहीं है, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना वर्ष 1931 के बाद पहली बार 2011 में आयोजित की गई थी। 1931 तक ये होती थी, उसके बाद बंद कर दी गई थी, फिर 2011 में चालू की गई थी। लेकिन आप देखेंगे 2011 में जो जनगणना की गई थी इसमें कुछ गलतियां होने की वजह से जातीय जनगणना को प्रकाशित नहीं किया गया था, आंकड़े सामने नहीं पेश किए गए थे, ठीक है। और आप देखिए इसमें कहा जाता है सरकार अपना पक्ष दे रही है, विपक्ष अपना पक्ष दे रहा है कि जनगणना करवाने से सरकार कहती है, और आप देखिए समुदायों के बीच मतभेद बढ़ेगा, आप देखिए इस तरह की तकनीक नहीं है, वो कह रही कि हम सभी की जनगणना, जातिगत जनगणना, सामाजिक आर्थिक जनगणना करा सकें। तो इस तरह की आप देखेंगे तर्क वितर्क करती रहती हैं और हम लोगों ने इस पर विस्तार से बात भी की हुई थी। और इसके अंदर ग्रामीण और शहरी भारत के प्रत्येक भारतीय परिवार के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है और उनकी निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जाती है। आर्थिक स्थिति के बारे में, ताकि केंद्र राज्य प्राधिकरण इसका उपयोग गरीबी या वंचित व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए कर सके और इसके लिए विभिन्न प्रकार के संकेतक विकसित किए जा सकें। और विशिष्ट जाति का नाम, सरकार को यह पूर्व मूल्यांकन करने के लिए कौन सी जाति समूह आर्थिक रूप से बदतर स्थिति में है और कौन से बेहतर है। लेकिन मेरा मानना है कि इसके कई फायदे भी हो सकते हैं। आप देखिए और अच्छे से आप लोग नीतियां बना सकते हैं कि कौन सी जाति पिछड़ी रह गई है, किस जाति को आरक्षण की जरूरत है, समझ रहे हैं आप लोग। और जनगणना, और अगर हम लोग इसकी बात करें सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के बीच के अंतर की, तो कवरेज का क्षेत्र, जनगणना भारतीय जनसंख्या का एक मानचित्र प्रदान करती है, जबकि आप देखेंगे कि जो सामाजिक आर्थिक जनगणना है, जातिगत जनगणना, राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण है। डेटा की गोपनीयता, जनगणना के आंकड़ों को गोपनीय माना जाता है, जबकि सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के आंकड़े सरकारी विभागों द्वारा लोगों को लाभ देने या अनुचित लाभ प्रदान करने से रोकने के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध होते हैं। अगर हम लोग सामाजिक, आर्थिक जनगणना की महत्व की बात करें तो असमानताओं का बेहतर मानचित्रण, सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना में व्यापक रूप पर असमानताओं के मानचित्रण की क्षमता होती है और इससे आप देखेंगे जाति आधारित सकारात्मक कार्रवाई या फिर कल्याणकारी योजनाओं के लिए सांख्यिकी उचित स्थापित करना उपयोगी होगा। और कानूनी रूप से अनिवार्य, यह कानूनी रूप से भी अनिवार्य है क्योंकि अदालतों को आरक्षण की मौजूदा स्तरों का समर्थन करने के लिए मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता होती है। संविधानिक जनादेश, भारत का संविधान भी जातिगत जनगणना कराने का पक्षधर है। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है। देखिए सरकार जो दलील दे रही है कि हमारे पास तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपको बता दूं एक बात, आप खुद देख लीजिएगा 1971 के पहले आप लोग देखिए
1931 तक तो आप देखेंगे जनगणना होती रही है ना, तो आप सोचिए वहां अंग्रेजों के पास कहां टेक्नोलॉजी थी, किस तरह की टेक्नोलॉजी थी, समझ सकते हैं आप लोग। आज तो आप देखिए कि हम लोग दम भी भरते हैं कि हम लोग एक तरह से टेक्नोलॉजी के जीवन जिंदगी जी रहे हैं, या आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का समय आ चुका है। तो मुझे लगता है कि ये कहना बेफालतू है, और एक खासपस लगता है कि अभी भी हम लोग टेक्नोलॉजी की दुहाई दे रहे हैं। अगर सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना से संबंधित चिंताओं की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी आप देख सकते हैं चिंताएं क्या है। जाति आधारित जनगणना के नतीजे जाति का एक भावनात्मक पक्ष होता है, और इस प्रकार जातिगत जनगणना सामाजिक और सामाजिक राजनीतिक सामाजिक परिणाम सामने आते हैं। आप देखिए कि आपको मालूम चलेगा कि आपकी जाति इतनी है इस क्षेत्र में, तो हो सकता है कि आप लोगों के भी मतभेद बढ़ने लगे। और ऐसे चिंताएं देखी गई हैं कि जाति आधारित जनगणना से जातिगत पहचान को मजबूत करने मदद मिल सकती है, और इन नतीजों के कारण सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना के लाभ लगभग एक दशक बाद भी इसके डेटा का एक हिस्सा बड़ा हिस्सा अप्रकाशित या केवल टुकड़ों में जारी किया जाता है। तो ये कहानी है आपकी जातिगत जनगणना और बाकी जनगणना की, ठीक है। इसके बारे में एक खाका खींच के आप लोग याद रखा करिएगा, और मेरा मानना है एक काम और कर सकते हैं आप लोग, जब भी जनगणना होती है, अब आप सोचिए 10 साल के लिए निपट जाएंगे आप लोग जब 2021 के अंतिम आंकड़े आ जाएंगे, तो एक आप लोग शॉर्ट नोट्स बना के अपने पास रख लिया करिएगा, और मुझे लगता है कि जनगणना के बारे में एक सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तब तो और होनी चाहिए, और वैसे आपको इसके बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए क्योंकि भारत में रह रहे हैं आप लोग, और भारत के बारे में मुझे लगता है कि मालूम भी होना चाहिए। चलिए तो हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं।